जो है आज अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने संबोधन में कहा कि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, जो पूरी तरह फ्रॉड थी। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी विकास में भेदभाव नहीं किया। आज जो अल्पसंख्यकों का किरदार है वो केंद्रीय नेतृत्व की वजह से उनकी मेहनत है। जो अल्पसंख्यक समाज शिक्षा से जुड़ रहा है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उसी की वजह से हम सब बढ़ रहे हैं। और सपा बसपा ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अल्पसंख्यकों का हितेशी अगर कोई उतरा है तो वो योगी और मोदी सरकार है। वहीं एमके न्यूज से खास बातचीत में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यकाल में अल्पसंख्यक लगातार विकास कर रहा है। सच्चर कमेटी के नाम पे दलित की बात की गई, आदिवासियों की बात की गई, अल्पसंख्यकों के अंदर दरार डालने की कोशिश की गई। आज मोदी जी का या योगी साहब उत्तर प्रदेश में बिना किसी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के ईमानदारी के साथ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के विकास और विश्वास के माहौल को बढ़ा रहे हैं। ये फर्क है। जिनकी सरकारों में सच्चर कमेटी बनी थी उन्होंने आज तक कुछ उस पर तो किया नहीं, उसको कूड़ेदान में ज़रूर डाल दिया और उस पर उसका दोहन ज़रूर किया, शोषण ज़रूर किया, सच्चर कमेटी के नाम पे भय और भ्रम का माहौल ज़रूर पैदा किया। हमने भरोसा पैदा करने की कोशिश की है समाज के सभी वर्गों में और उसमें हम सफल हुए। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज इस तरीके से अल्पसंख्यक दिवस है उस पर आपने सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है, क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन हमने कैसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है इस दिशा में बताया है। और जिस तरीके से आज योगी सरकार के प्रयास से अल्पसंख्यक समाज सशक्त हो रहा है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमारा पूरा विश्वास है कि अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज आगे हमारे प्रयास से जाएगा। पाकिस्तान अल्प जो है आइटम बम की जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं उसे कैसे देखें? इससे का कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो सब केवल अपने जो है हताशा भरा बयान है, उससे भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार अल्पसंख्यक दिवस पर आज यहाँ पर पहुँचे और तमाम तरीके के सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड थी उन्हें पेश किया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अल्पसंख्यक के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश।